सड़क हादसे में सिपाही की मौत, दूसरा गंभीर। मृत सिपाही को पुलिस लाइन में दी अंतिम सलामी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि घना कोहरा जानलेवा होता जा रहा है। मधवापुर घाट के निकट सोमवार को घने कोहरे के कारण रविवार देर रात मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई थी। इस हादसे में बाइक सवार एक सिपाही की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया था। लखीमपुर खीरी जिले के थाना चंदन चौकी अंतर्गत थारू बहमुल ग्राम बेला परसुआ गांव निवासी सुनीत कुमार 27 वर्षीय पुत्र राम किष्णु श्रावस्ती जिले के एकौना थाने में आरक्षी के पद पर तैनात था, जबकि इसी गांव का रोहित कुमार 28 वर्षीय पुत्र हेमंत सिरसिया थाने में आरक्षी के पद पर तैनात है। 2021 बैच के इन दोनों आरक्षियों की नियुक्ति 2022 में हुई थी। मौजूदा समय ये दोनों रिजर्व पुलिस लाइन भिनगा में स्पेशल ड्यूटी के लिए संबंध थे। इनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था। दोनों रविवार को स्पेशल ड्यूटी करने के लिए एक ही मोटरसाइकिल से मल्लीपुर थाने गए थे, जहां से रात 9 बजे दोनों वापस पुलिस लाइन लौट रहे थे। जैसे ही सुनीत मोटरसाइकिल लेकर मल्लीपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर घाट के निकट स्थित बंदरहा बाबा कुट्टी के पास पहुंचा, तो वहीं घने कोहरे के कारण उसकी मोटरसाइकिल मार्ग किनारे लगे पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। दोनों के हेलमेट लगाए होने के बावजूद टक्कर तेज होने के कारण सुनीत कुमार को पूरे शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची मल्लीपुर पुलिस ने घायल रोहित को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया, जहां से हालात गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके बाद शव को पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसपी अरविंद कुमार मोर, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने मृत आरक्षी को अंतिम सलामी दी। वहीं घटना की जानकारी के बाद पहुंचे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव को सौंप दिया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।